हेलो दोस्तों, इस वीडियो में एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि ये कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन है लेकिन स्क्वायर रूट से रिलेटेड है। देखिए कैसे पता चल रहा है। यहाँ लिखा हुआ है, फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच 3645 मस्ट बी डिवाइडेड सो दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। तो ऐसा नंबर जिससे इसको 3645 को डिवाइड करना है, ठीक है, और डिवाइड करने से क्या होगा, सच दैट इट बिकम्स ए परफेक्ट स्क्वायर। तो आप इसमें तीन चीज़ें हैं, देखिए एक पहले एक नंबर दिया हुआ है 3645, 3645 ये नंबर दिया हुआ है। क्या बोल रहा है, इसको किसी नंबर से डिवाइड करना है, मान लीजिए एक्स दे दीजिए। डिवाइड करने पर जो चीज़ आएगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, अब आपको समझना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर क्या है। परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है, जैसे मान लीजिए 25 है, 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि ये क्या होता है, इसका स्क्वायर रूट जो है एक नंबर आएगा, ठीक है, उसी को परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं। जैसे परफेक्ट स्क्वायर जो भी होता है उसको हम एक्स स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकते हैं, और एक्स क्या होगा, एक इंटीजर होगा, एक्स बिलोंग्स टू इंटीजर, ऐसे लिखा जाता है। ओके, ये सेट थ्योरी के टर्म में लिखा जाता है इसे। अगर आप सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो आपको पता चल जाएगा ये, ठीक है। तो क्या है परफेक्ट स्क्वायर, मतलब कि वो पूरा एक स्क्वायर होगा, एक उसका मतलब किसी नंबर को स्क्वायर करने से वो नंबर आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 10 है, 10 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि 10 का जो स्क्वायर रूट होता है, 10 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 3.162 ऐसा कुछ होता है, डॉट डॉट डॉट। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ क्योंकि ये पूरा इंटीजर पूरा एक नहीं आया। ओके, एक रैशनल नंबर नहीं आया ये कह सकते हैं, ठीक है। ये डॉट 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 चलता रहता है, ये तो एक एग्जैक्ट नंबर नहीं है। ओके, तो देखिए क्या है, 3645 को किसी नंबर से डिवाइड करना है तो स्क्वायर रूट एक परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो ऐसा बहुत सारा नंबर हो सकता है कि इसको डिवाइड करने से हो जाए, लेकिन हमको स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है। ओके, ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको जल्दी समझ में आ जाए। मान लीजिए है 45 एक नंबर दिया हुआ है, अब 45 को किससे डिवाइड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। 45 क्या होता है, 9 × 5 45 हो गया। तो 45 को अगर हम 5 से डिवाइड कर दें तो क्या हो जाएगा, 9, और 9 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये हो गया। लेकिन 45 को हम 45 से भी डिवाइड कर देंगे ना तो क्या आ जाएगा, 1, और 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो हमको इसमें क्या किया, 45 से डिवाइड की, इसमें क्या किया, 5 से डिवाइड की, तो हम लोग को छोटा नंबर से डिवाइड करना है यानी 5 से। तो इसके लिए आंसर होता 5। ओके, तो आपको एग्जाम्पल बता दिए। अगर आपको अब समझ में आ गया क्या करना है तो आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अब हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे इसको। ओके, देखिए क्या करना है, इसका सॉल्व करने का तरीका क्या, देखिए इसको हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन स्क्वायर रूट निकालने का तरीका होता है, मतलब इसको हम डिवाइड करते थे प्राइम नंबर से। तो किस प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाए, इसको अभी सोचने वाली बात है, प्राइम कौन सा प्राइम नंबर से डिवाइड किया जाए। तो अगर आपको वो आता है, एक होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट, ये आपको पता होना चाहिए अगर स्क्वायर रूट के सॉल्व करना चाह रहे हैं। तो डिविजिबिलिटी टेस्ट पता होगा तो बहुत आसानी से आप जल्दी जल्दी कर पाएंगे। जैसे 5 का क्या होता है डिविजिबिलिटी टेस्ट, कि अगर किसी नंबर के आखिरी में 5 और 0 हो तो वो 5 से डिविजिबल होगा, पक्का 5 से भाग लग जाएगा। तो इसके लास्ट में 5 है तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करते हैं। 5 इसको डिवाइड कीजिए क्या आएगा, 7 × 5 = 35, 1 × 4 = 2 × 5 = 10, और 4 × 5 कितना हो गया, 9 × 5 = 45 आ गया, 729। अब 729 आ गया, अब इसको किससे डिवाइड किया जाए सोचिए। तो इस ये तो मुझे देख के पता चल गया कि 9 से डिवाइड होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, प्राइम नंबर से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो 3 लेते हैं, 3 क्यों लिए, क्योंकि देखिए इसको जोड़िए, 7 2 9, 7 + 2 + 9 कितना होता है, ये हो गया 18, और 18 जो है वो 3 से डिविजिबल है। तो 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट क्या होता है कि सब नंबर को जोड़ दीजिएगा डिजिट को, तो अगर वो आ गया टोटल, टोटल करने पे जो अगर 3 से डिविजिबल हो गया तो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 3 से भाग लग जाएगा, कितना से भाग लगेगा, देखिए 24 × 3 = 72, 3 × 3 = 9, ठीक है। अब ये देखिए क्या है, 4 2 3, 4 2 6 3 9, फिर 3 से भाग लग जाएगा, फिर 3 से भाग लगा दीजिए, 8 × 3 = 24, 1 × 3 = 3, फिर 3 से भाग लग गया। अब देखिए क्या है, आप इसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से मुझे पता चल गया कि 9 9 81 होता है, लेकिन आप इसको पूरा मैं सॉल्व कर ही देता हूँ, ठीक है।
देखिए, 3 9 3 27, 3 और फिर आ गया यहाँ पे 3, ओके। और फिर से वो लगा सकते हैं, 3 1 हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या है, ये हो गया 3 1 2 3 4 5 6 बार 3 है, ओके, और 1 5 है। तो स्क्वायर इसको किस नंबर से डिवाइड किया जाए कि पूरा एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो देखिए कितना जोड़ा बन रहा है, पेयर देखिए कितना, एक पेयर बन गया ये, एक पेयर बन गया ये, एक पेयर बन गया 3। लेकिन 5 के लिए कोई पेयर है ही नहीं, तो अगर 5 को उड़ा दिया जाए इस नंबर से तो एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, 3 6 4 5 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे और एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ओके। तो आंसर हो गया इसका 5, तो डिवाइड करेंगे 5 से तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ तो मैं कर ही चुका हूँ, देखिए 5 से डिवाइड कीजिए 3 6 4 5 को तो 729 आएगा। ठीक है, 3 6 4 5 को डिवाइड कीजिए 5 से, हो जाएगा 729। और 729 एक परफेक्ट स्क्वायर है, इसका आपको आंसर ही पता है, क्या है ये, 3 × 3 × 3, तीनों जोड़ा में से एक एक ले लिए तो हो गया 27। 27 का स्क्वायर जो होता है वही होता है पर ये 29 होता है, 729 होता है, ओके। तो आपका मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, 27 को मल्टीप्लाई की जगह 27 से तो 729 आ जाएगा। तो यही हो गया इसका आंसर, इसका आंसर है 5। और लास्ट में क्या कहा, देखिए फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द रिजल्टिंग नंबर, तो रिजल्टिंग नंबर जो है वो है 729, उसका स्क्वायर रूट कितना हो गया 27। तो 729 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 27, ये हो गया और एक ये हो गया 5। दो आंसर, दो क्वेश्चन है इसमें, दो आंसर हो गए, ओके। इस वीडियो में इतना ही, आप ऐसे खुद से भी कोई कोई नंबर लेके ट्राई कर सकते हैं कि आता है कि नहीं, ओके। धन्यवाद।